हेलो दोस्तों, ये है एक बजट स्मार्ट वॉच। सिर्फ फिटनेस वॉच नहीं है, इनमें कुछ फीचर्स है जैसे कि आप एसएमएस को रिप्लाई कर सकते हैं और कॉल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप कॉल लॉग्स भी देख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे यूनिक फीचर्स है जो एक नॉर्मल फिटनेस वॉच में हमें देखने को नहीं मिलता। तो चलिए देखेंगे इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। और यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। लेट्स बिगिन। तो ये है वॉच आउट वेरेबल्स जेन 2 स्मार्ट वॉच। इन्होंने मुझे रिसेंटली कॉन्टैक्ट किया है उनके प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए। तो मैं इसे कुछ दो दिन से यूज़ कर रहा था। और ये है बॉक्स कंटेंट्स, ऊपर आपको मिल जाता है कुछ वारंटी और मैनुअल वो सब, और आपको मिलता है स्मार्ट वॉच, और हमें मिलता है एक मैग्नेटिक वाला चार्जर। पूरा वॉच और स्ट्रैप भी प्रोटेक्टेड है कुछ कवर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। ये स्मार्ट वॉच डेफिनेटली एक प्रीमियम लुक देता है, मगर ये सिल्वर स्ट्रैप वाला मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। फिर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, स्पेशली वो ब्लैक वाला और ब्राउन वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया। वैसे ये रिव्यू यूनिट है तो मेरे पास चॉइस नहीं है। 1.3 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है IPS LCD वाला, और रिजोल्यूशन भी ठीक है, अच्छा दिखता है, शार्प है। और धूप में भी ये, वैसे ये ज़्यादा धूप नहीं है आजकल, फिर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा ये मैनेजेबल होगा थोड़ा ज़्यादा धूप के अंदर भी, तो ये डिस्प्ले के मामले में काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और इसमें एक गोरिल्ला ग्लास मिलता तो और भी बेहतर हो जाता, और भी मज़ा आ जाता, तो डेफिनेटली वो एक कमी है। लुक्स के मामले में काफ़ी क्लासी दिखता है, एलिगेंट है, और एक प्रीमियम वाला फीलिंग देता है। वैसे आप बताइए आपको कैसा लगा। वॉच फेसेस काफ़ी अच्छे हैं और बेहतर भी हो सकते हैं, और इसमें एक कस्टम वॉच फेस भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा TekNixHaX का लोगो के साथ। नए अपडेट्स के साथ और भी वॉच फेसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IP54 वाटर रेटिंग है तो स्प्लैशेस वगैरह के लिए ठीक है, मगर स्विमिंग के लिए नहीं है। और ये 300 mAh बैटरी के साथ आता है। यूज़र इंटरफेस भी ठीक ठाक है, आपको 4 आइकन्स मिलते हैं हर एक स्क्रीन में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है तो इट मेक्स सेंस। मगर यार, फ्रैंकली स्पीकिंग और थोड़ा फ्लूइड होता तो और मज़ा आता, मगर वैसे ये लैग तो नहीं होता, फिर भी मेरे ख्याल से और थोड़ा बहुत बेहतर भी हो सकता है। एक बार पूरा मेन्यू आइटम्स आपको दिखा देता हूँ। फ़ोन बुक है, डायलर है, और काफ़ी सारे ऑप्शन है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ म्यूज़िक प्लेयर है और ब्लूटूथ कैमरा है, और आपको पैरामीटर, हार्ट रेट वो भी मिल जाते हैं। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जैसे कि कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, गूगल असिस्टेंट भी है जो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स है जो एक नॉर्मल फिटनेस वॉच में हमें देखने को नहीं मिलता। और इसमें आपको एक इनबिल्ट माइक और स्पीकर भी मिल जाते हैं, तो आप कॉल्स के लिए डायरेक्टली ये वॉच को यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे एक डेमो। गूगल असिस्टेंट भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हाउ इज द वेदर इन दिल्ली? कॉल्स भी कर सकते हैं। और एक अच्छा चीज ये है कि आप मैसेजेस को रिप्लाई भी कर सकते हैं कुछ टेम्पलेट्स के साथ। हाँ, टाइप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कीबोर्ड नहीं मिलता, फिर भी कुछ टेम्पलेट्स है तो थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैसेज भी, रीडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि बड़ा डिस्प्ले में थोड़ा बहुत देखने में और पढ़ने में आसानी होती है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाते हैं रिप्लाई और कॉल ऑप्शन, और यहाँ से आप आराम से रिप्लाई और कॉल भी कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप कॉल रजिस्टर्स भी देख सकते हैं और फ़ोन बुक भी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या नंबर भी डायल कर सकते हैं और
कॉल्स जो है डायरेक्टली आप वॉच में से बात कर सकते हैं या आप फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन भी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेता है मगर काम करता है, और फ्रंट फेसिंग स्विच करने का ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिला। इसका ब्लूटूथ म्यूज़िक प्लेयर मुझे उतना पसंद नहीं आया, जब आप गाने प्ले करेंगे तो ये डायरेक्टली वॉच में प्ले होता है। कुछ लोग पसंद भी कर सकते हैं मगर मुझे पसंद नहीं है। फिर भी जब मैं ईयरफोन्स लगाता हूँ अपने फ़ोन पे तो फिर भी ये जाता है ऑडियो वॉच से, तो ये एक छोटा बग हो सकता है जो शायद फिक्स हो सकता है फ्यूचर अपडेट्स में। बात करेंगे फिटनेस ट्रैकिंग की, तो हर्ट रेट तो मुझे नॉर्मल स्टैंडर्ड लगा जो मैंने देखा है दूसरे स्मार्ट बैंड्स या फिटनेस वॉचेस में, तो सिमिलर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और इसमें कंटिन्यूस हर्ट रेट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन है। इसका पेडामीटर भी मैंने टेस्टिंग किया अमेज़फिट बिप के साथ एक वॉकिंग सेशन के साथ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है मगर ज़्यादा नहीं है, तो पेडामीटर भी सिमिलर रिजल्ट्स आपको दे सकता है। और इसमें एक यूनिक फीचर है, पेडोमीटर को आप कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे वॉचेस जो हैं फिटनेस वॉचेस या बैंड्स काफ़ी सारे स्टेप्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करके आप बंद कर सकते हैं, तो इससे एक्यूरेसी जो है काफ़ी बढ़ सकती है। इसकी बैटरी लाइफ जो है मुझे मेरे मीडियम यूसेज के साथ एक दिन से थोड़ा ऊपर मिला, तो वन एंड हाफ डे बैटरी लाइफ जो है पॉसिबल है। तो यार ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स ऑफर करता है, तो अगर आपको चाहिए एक प्रीमियम लुक और ये सारे स्मार्ट फीचर्स जो आपको ज़्यादा मैटर करते हैं तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं, या आपको ये सारे फीचर्स चीज़ें नहीं चाहिए और आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए और सिर्फ फिटनेस डेटा इनफ है, तो आप जा सकते हैं कोई भी फिटनेस बैंड या एक नॉर्मल फिटनेस वॉच के साथ। तो यार ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून।